बीजेपी विधायक दल की बैठक में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता का नहीं खुद के हितों का ध्यान किया है। हमने राजस्थान में 10 साल काम किया, कांग्रेस सरकार आने के बाद हमारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए या तो उन्हें बंद कर दिया गया। अब हमें केंद्र के कामों को लोगों तक पहुंचाना होगा। तो आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक में 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस में 36 दिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में खींचतान चली। इस दौरान वसुंधरा चुप थी। कांग्रेस में चली खींचतान के दौरान वसुंधरा पर आरोप लगे थे। राजस्थान में विधानसभा सत्र कल से बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे दें। तो इस पूरे मामले में अभी तक जो कांग्रेस पार्टी में घमासान चला है अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में, इसको लेकर अभी तक वसुंधरा राजे चुप थी। राजस्थान में विधानसभा सत्र, बीजेपी विधायक दल की बैठक में 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान में विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। भाजपा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ में पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें इस बीच हाईकोर्ट में बहस आज पूरी नहीं हो पाई है। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर दोनों कोर्ट में अर्जियां लगाए हुए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने खुद बसपा ने भी पिटीशन फाइल की थी। फिर से आपको बता दें वोटिंग राइट्स रोके जाएं, बीजेपी एमएलए की तरफ से कहा गया। कोर्ट में राजस्थान की सियासी लड़ाई, बसपा के 6 एमएलए के कांग्रेस में जाने का ये पूरा मामला, मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो वहीं राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 608 नए मामले सामने आए। इनमें कोटा में 100, सीकर में 91, बीकानेर में 78, अलवर में 73, जयपुर में 59, उदयपुर में 53, पाली में 34, चित्तौड़गढ़ में 33, बाड़मेर में 32, हनुमानगढ़ में 20, जालौर में 14, नागौर में 8, दौसा में 7, गंगानगर में 6 संक्रमित पाए गए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 56,708 पहुंचा है। वहीं 11 लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें से भरतपुर और जयपुर में 3-3, गंगानगर और उदयपुर में 2-2, बीकानेर में 1 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 833 पहुंच गया है। फिर से आपको बता दें राजस्थान में कोरोना के 56,708 मामले सामने आए हैं। 608 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए, 11 लोगों की मौत हुई। जिले में कुछ दिनों से खनिज विभाग की टीम ने नर्मदा टोला से रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 38 ट्रॉली रेत जब्त करके ग्राम पंचायत को सौंपा था, जो अब चोरी हो चुका है। लापरवाह खनिज विभाग जब्त की गई रेत उठाना भूल गया। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विभाग लापरवाही बरतता आ रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए रेत माफियाओं ने जब्त की गई रेत को चुरा लिया है। तो 38 ट्रॉली रेत चोरी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अज्ञात चोरों ने रातों रात रेत की चोरी को अंजाम दिया। रेत चोरी के मामले में विभाग पूरी तरीके से अनजान रहा। तो डिंडोरी से खबर है 38 ट्रॉली रेत चोरी का ये पूरा मामला, विभाग अनजान रहा, अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया।
सात दिन से गाड़ी वहाँ पे आना जाना करते रहते हैं। अब हम निगरानी के लिए रखते हैं आदमी पर, धमकी भी देते हैं, धमकी को डर करके आदमी दूर चले जाते हैं, जिससे है तो जो अवैध रूप से निकासी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके जो संरक्षण का रहता था उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हमने शिकायत किया है माइनिंग ऑफिसर से, पर माइनिंग ऑफिसर भी आश्वासन देता है पर आता नहीं, उनको गायब कर दिया गया होगा जो निकासी कर रहे हैं उनके द्वारा। डिंडोरी जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अभी तक 82 कोरोना मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें से अभी तक 46 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 36 है। स्वास्थ्य विभाग के 225 मरीजों के सैंपल जबलपुर ICMR पहुँचाए गए हैं। तो रोके हैं सर, तो करवा ली थी। अभी सर जिले में लगातार कोरोना बढ़ रहे हैं। ग्वालियर की डबरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डबरा पुलिस ने डकैती की योजना को विफल करके 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसी संदर्भ में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर डबरा शहर में डकैती डालने की नीयत से 6 हथियारबंद बदमाश शहर में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल के पास डकैती डालने के लिए इकट्ठा हुए, जिस पर पुलिस अधीक्षक देहात डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के मार्गदर्शन में डबरा पुलिस ने टीम गठित करके मुखबिर के बताए गए स्थान पर घेरा करके 6 अपराधियों को पकड़ लिया है। एडिशनल SP के नेतृत्व में पकड़ा गया है और इन 6 लोगों से पूछताछ जब की गई तो इनके पास से हथियार भी मिले हैं, मिर्ची का पाउडर भी मिला है और डबरा शहर, डबरा देहात और हाटीपुर मुरार और सिरोल जो शहर के बाहरी इलाके हैं, इनकी लगभग 14 नकबजनियों का खुलासा भी हुआ है। इन लोगों ने अपनी गैंग बना रखी थी और ये सूने घरों में रैकी करके नकबजनी करते थे और घरों में ताले तोड़ने का जो सरिया होता है वो भी इनके पास से मिला है, कट्टे मिले हैं और बका मिला है। और ये जैसा कि जब इनको पकड़ा गया उस वक्त इनके पास मिर्ची का पाउडर था, तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मूड में थे और पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करके रिमांड लिया जा रहा है और उम्मीद है कि रिमांड में जब पूछताछ की जाएगी तो इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होगा। ये इसमें से 4 जो आरोपी हैं इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, 1 HS है और चूंकि ये गैंग के रूप में कार्य करते थे तो इनकी एक गैंग हिस्ट्री की शीट बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में जब भी ये जेल से छूटेंगे तो इनके प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। और इसमें जो टीम लगी हुई थी इनको 10,000 रुपये का कैश अवार्ड मेरे द्वारा दिया जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में पटना साहिब सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड हॉस्पिटल NMCH का औचक निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ में बैठक करके अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का को लेकर विशेष बातचीत की है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बीच में डॉक्टरों ने निर्भीक होकर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अस्पताल में शव वाहन और शवों को डिस्पोजल करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है और स्वास्थ्य में और अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की जो कमी है वो भी अस्पताल अधीक्षक के साथ में बैठक करके जल्द ही समस्या के समाधान को दूर कर दिया जाएगा। तो दिल्ली से मैं हमेशा व्यवस्था में लगा रहता था और NMCH पहली व्यवस्था थी कोविड को लेकर, फिर मुझे लगा कि यहाँ दबाव बहुत है तो फिर एम्स नया अस्पताल बने कोविड का डेडिकेटेड समर्पित, तो मंगल पांडे जी और बिहार प्रशासन ने भी किया, स्वास्थ्य मंत्री बाकी सभी मुख्यमंत्री, फिर राजेंद्र PMCH में एक नया 108 बेड का बना, बाकी प्राइवेट अस्पतालों को भी अनुमति दी गई है, कई जगह टेस्टिंग सेंटर खुले हैं ग्रामीण इलाकों में, फतुआ, दनियावा, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, बाकी जगह पर। तो आज मैं इसीलिए आया था देखने के लिए, आज सुबह मैंने जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों में बैठक की, फिर PMCH गया, फिर यहाँ आया। हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस चुनौती भरे समय में काम करना, जब एक डर का माहौल है तो उन्होंने अच्छा काम किया, नर्सेज बाकी सब, यहाँ स्थिति काफ़ी सुधरी है, इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट ली। और कुछ करने की आवश्यकता है, मैं सांसद के रूप में जो भी मदद होगा करूँगा। मैंने एक बात अवश्य कही है कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, मुझे खुशी है कि यहाँ शव वाहन आ गए हैं, शव के डिस्पोजल की व्यवस्था हो गई है और डॉक्टर समर्पण से काम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपनी कुछ चिंताएं बताई हैं, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कहा है।
स्टाफ की काफी कमी है यहाँ पर, परिजन अभी भी घर अंदर चले जाते हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, मेरी चर्चा इनसे हो गई है, मैं इसको टेकअप करूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि तमाम कमजोरियों के बावजूद जो डॉक्टर ने इस चुनौती भरे काम में बढ़िया काम किया। ग्वालियर में बढ़ती क्राइम को लेकर ग्वालियर के नवागत पुलिस अधीक्षक अमित सांगी से न्यूज वन इंडिया के ग्वालियर ब्यूरो चीफ आनंद सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के नवागत एसपी अमित सांगी सर हैं, जैसे हम बात करेंगे कि ग्वालियर में किस तरह कानून व्यवस्थाओं का नियंत्रण पाने के लिए नई नई कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर ग्वालियर में कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमारे पास लड़ाई चल रही है सारी एजेंसी की, इसमें लोगों को जागरूक किया जाए और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो यदि जो अपराधी तत्व हैं उन पर हमें नियंत्रण रखिए तो कानून व्यवस्था अपने आप मजबूत बनी रहती है। तो हमारा प्राथमिक जो उद्देश्य वो यही है कि जो अपराधी हैं उनसे लगातार हम कड़ी कार्रवाई करते रहें। जैसे कि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, जल्दी जेल से छूटते हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है और जेल से जितनी अपराधी उससे संबंधित थानों में जानकारी चली जाती है और हम उनकी ध्यान रखते हैं कि वो कोई अपराध घटित ना करें। कोई अपराध करें पूरा भी है तो बड़े समझ का तो वही ग्वालियर साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए साइबर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल से न्यूज वन इंडिया के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ आनंद सिंह कुशवाहा ने ही खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के साइबर पुलिस अधीक्षक सर हैं, सर से हम बात करेंगे कि सर भिंड ग्वालियर में आए दिन क्राइम जो साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, उनको रोकथाम के लिए सर क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? साइबर अपराधियों के द्वारा लगातार दो प्रकार के अपराध लोगों से किए जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल होते हैं साइबर क्राइम करने वाले, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है इसके माध्यम से धनार्जन करना, रुपए कमाना। जो साइबर फ्रॉड जिनको हम बोलते हैं, साइबर फ्रॉड करने के लिए इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे संगठित और असंगठित रूप से फ्रॉडस्टर्स काम कर रहे हैं, जो लगातार मोबाइल पर नागरिकों से उनके क्रेडिट कार्ड्स की, बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले लेते हैं, उनकी पूछते हैं और इसके माध्यम से उनके बैंक अकाउंट पर जो मेहनत का उनका पैसा होता है उसको अपने फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उस ट्रांसफ़र अमाउंट को निकाल के उससे जो है अपना आजीविका चलाते हैं और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरे तरह के लोग जिस तरह से नए नए ट्रांजेक्शन के जो माध्यम आते जा रहे हैं, जैसे UPI। खबर दिल्ली से है, आपको बता दें दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 150,000 के करीब कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, तो संक्रमितों की संख्या 149,460 हो गई है। दिल्ली में आज 956 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। अब तक 134,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 4,167 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 10,975 है। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना जांच को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को एक वीडियो भी दिखाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सदन में कोरोना जांच को लेकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना जांच की संख्या को लेकर मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश के बयान में अंतर है। खड़े होकर के बार बार जो है स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था कि कितनी संख्या में RT-PCR जांच हो रही है। उसके उत्तर में मंगल पांडे जी ने जवाब दिया था, वो जवाब जो है आप लोगों को पहले सुना देते, अपने मुंह से हम क्या बताएं। और आपको पता होगा कि हमने दोहराया भी था
तो हम चाहेंगे कि मंगल पांडे जी का वो वीडियो विधानसभा के अंदर जो है। गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नगर आयुक्त मनीष सिंह मीणा, महापौर सुरेश कुमार शाह के साथ में निगम के सैकड़ों कर्मचारी मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज के समीप से स्वच्छता अभियान चलाया। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने कहा कि दिन से साथ साथ रात में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेयर सुरेश कुमार ने यह भी कहा कि अभियान चलता रहेगा, गंदगी से शहर मुक्त हमें करना होगा। देखिए ये अभियान, क्योंकि हम लोगों ने अस्थायी समिति में बहुत पहले पास किया था, बहुत पहले नहीं, दो तीन महीना पहले पास किया था, क्योंकि शहर में गंदगी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने पास किया था और उसी का अंजाम दे रहे हैं। और ये निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग शहर में 10 अंचल है, जिस समय हम मेयर बने थे पहले 8 अंचल थी, 10 अंचल हमने किया था, और 10 अंचल के बाद हम लोग 200 अंचल में पर डे रात रात रात्रि रात्रि जो हम लोग करेंगे, इसमें हमारे मुजफ्फरपुर के द्वारा दिन के साथ साथ रात्रि काल में भी नियमित रूप से पूरा उत्सव होने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत अभी रात्रि में भी विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें नगर निगम का पूरा टीम, माननीय महापौर महोदय और अन्य माननीय पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में लगातार। तो वहीं अररिया जेल में हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ 224 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पूरे जेल में हड़कंप का माहौल है। अररिया सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अररिया जेल में बंद कैदियों के पिछले 3 दिनों से कोरोना की जांच की जा रही थी, जिसमें 600 कैदियों की जांच की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें 224 कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप करेगा तो उनको हम लोग अपने यहाँ ले जाएंगे, या नहीं तो मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर करेंगे। डॉक्टर वगैरह की क्या व्यवस्था सर? डॉक्टर सर जेल में अपना ही डॉक्टर है। सरकार गरीबों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध तो कराती है, लेकिन उनके हकों को डीलर छीन लेते हैं। लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण तो किया जाता है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। अंत में लाभुकों के द्वारा अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड क्षेत्र के शरीफ नगर पंचायत के मरहल्ला गांव की, जहां प्राथमिक विद्यालय मरहल्ला में 11 लोग अपने हक के लिए आमरण अनशन के दूसरे दिन डटे हुए हैं। आमरण अनशन गौरी राम के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारे डीलर शशिभूषण सिंह था। अच्छा। हमारे समाज के 4 किलो दे रहा था, 5 किलो मांगने के खातिर हमको समाज के मारा और कूपन फाड़ दिया। फिर दूसरे महीना में गया तो फिर एक समाज को हमको मारा, इसलिए हम लोग राशन उनका के यहाँ से उठना ही छोड़ दिया। उस दिन से हम लोग एमओ साहब 10 गो इधर, 10 गो उधर, 5 गो उधर भेज रहा है। पूरे कुमरार पंचायत लेके या शरीफ नगर पंचायत के डीलर के यहाँ हम लोग पहुँच गए। कारण है यही से हमारे गांव में जिसकी कोटा है, जिसकी दूरी पड़ रहा है लाने के लिए। कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। वहाँ जाते हैं कोटा के लिए तो वहाँ जिसकी गाला गजोल करता है, जहाँ 5 किलो का सिस्टम है वहाँ 4 किलो दिया जाता है, कहता है अगर लेना है तो लोन, तो जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, हमको से कुछ नहीं होगा। आगे कंप्लेन किए थे कि नहीं? इसके आगे कंप्लेन किए हुए।